शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी द्वारा आयोजित गणेशोत्सव के लिए आज तुर्वे स्टोर्स में गणपति बप्पा का आगमन हो गया। युवा समाज सेवी महेश कुलकर्णी के नेतृत्व में यहां सैकड़ों युवाओं ने ढोल ताशा बजाते और नाचते गाते हुए मंगल मूर्ति श्री गणेश का स्वागत किया। नवयुवक मित्र मंडल ने यहाँ सामाजिक संदेशों के साथ गणेशोत्सव का भव्य आयोजन किया है। देखिए झलकियां। विघ्नहर्ता श्री गणेश के आगमन पर स्वागत का यह नजारा नवम्बई के तुर्वे स्टोर्स का है, जहां वरिष्ठ नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी बीते 51 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। आज युवा समाज सेवी महेश कुलकर्णी और अबोली कुलकर्णी ने मंगल मूर्ति का स्वागत किया। यहां वरिष्ठ नगर सेविका राधा सुरेश कुलकर्णी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ढोल ताशा की गर्जना और गणपति बप्पा मोरया के जय घोष के बीच यहां सैकड़ों युवाओं और भक्तों ने नाचते गाते और आनंद मनाते हुए तुर्वे स्टोर्स के महाराजा की अगुवानी की। युवा नेता महेश कुलकर्णी और समाज सेविका अबोली कुलकर्णी के नेतृत्व में नव युवक मित्र मंडल द्वारा आयोजित गणेशोत्सव को लेकर तुर्वे स्टोर्स के नागरिकों और युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस पर महेश कुलकर्णी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार का गणेशोत्सव पर्यावरण सुरक्षा और हरियाली बढ़ाने के संदेश के साथ आयोजित किया गया है। उन्होंने गणेशोत्सव की बधाई देते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पूर्ण नवी मुंबई वासियांना माझ्याकडून पूर्ण तुर्वे स्टोरीच्या बांधवांकडून गणेशोत्सवाचे खूप सारे शुभेच्छा। यावर्षी आम्हाला 51 वर्ष पूर्ण झालं आहे। नवयुवक मित्र मंडळ आमचा 50 ते 51 वर्ष जुना मंडळ सुद्धा आहे आणि हा तुर्वे स्टोर आणि आमच्या मंडळाचा आणि या परिसरातला सगळ्यात पहिला गणपती बाप्पांचं आगमन आहे। गेल्या 50 वर्षामध्ये आम्ही आजपर्यंत कधी बाप्पांचं आगमन केला नव्हता। या वर्षी युवांचा प्रतिसाद आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे भेटला आहे। मंडळाला पण खूप चांगल्या प्रकारे प्रसिद्धीसुद्धा भेटला आहे। कोविड काळामध्ये पण आम्ही खूप चांगल्या प्रकारे काम केलं आहे, त्यामुळे या वर्षी 51-50 वर्ष लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला कम्प्लीट झालं, त्यामुळे 51 वर्ष आमच्यासाठी अतिशय चांगलापणे आम्हाला असं साजरा करायचं होतं, त्यामुळे यावर्षीपासून आम्ही गणपती बाप्पांचं आगमनसुद्धा सुरू केलं आहे। त्यामुळे आम्ही ढोल ताशाच्या गजरात यावेळी गणपती बाप्पांचं आगमन एकदम थाटात करत आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।